कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। प्रेडिक्शंस का जो वीडियो है, बहुत दिनों के बाद ये आ रहा है। साप्ताहिक राशिफल के वीडियो में तो हम हर हफ्ते मिलते ही हैं, आपके पास आता ही है, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण ये वीडियो हालांकि थोड़ा सा लेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट भी है और आगे के बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहली बार इस चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कोई सजेशन हो तो वो हम तक आप पहुंचाएं, जिसके जरिए हम अपने चैनल में और सुधार ला सके, वीडियो में और सुधार ला सके। किस बारे में आपको प्रेडिक्शंस चाहिए वो हमें बताइए कमेंट करके, तो हम उस पर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। जो लोग हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो प्लीज जो डिस्प्ले में आपको नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिए, उस पर अपना पूरा नाम मेंशन कीजिए और उसमें लिखिए कि हमें परामर्श लेना है। हमारी तरफ से आपको कॉल या मैसेज के थ्रू रिप्लाई आ जाएगा और बराबर आएगा। आज इस वीडियो में मुझे दो बातें कहनी है आपसे। पहली तो एक अपडेट देना है कि जो स्कूल कॉलेज के बारे में प्रिडिक्शन की गई थी वो सही हो चुकी है, और अब आगे क्या होगा कोरोना के बारे में, कोरोना की तीसरी लहर के बारे में भी एक अपडेट भी है, और प्रिडिक्शन तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसी को मैं यहाँ पर अपडेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज के बारे में। जो प्रिडिक्शन मैंने की थी, 10 जुलाई 2021 के दिन एक वीडियो अपलोड किया गया था कि क्या इस साल भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, शायद ऐसा ही कुछ टाइटल था उसका। तो पहले तो मैं आपको ये सुनवाता हूँ कि इस वीडियो में मैंने क्या बोला था, क्या प्रिडिक्शन की थी, और फिर आगे हम बात करते हैं। तब तक इस साल भी स्कूल कॉलेज खुलने के योग नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अभी कुछ दिनों तक, जब तक स्थिति सामान्य रहे, तब तक कुछ शहरों में या कुछ राज्यों में स्कूल कॉलेज शुरू हो जाएं। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं कॉलेज के, और स्कूल की अगर हम बात करें तो 8वीं या 10वीं से ऊपर की क्लास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि प्राइमरी या प्री प्राइमरी वालों की, तो इसके योग बिल्कुल ही कम है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर होगा, तो सरकार को वहां पर भी विचार करना होगा। खुद स्कूल वाले उस बात पर विचार करेंगे और पेरेंट्स भी इस बात पर एग्री नहीं होंगे कि उनके बच्चों को स्कूल भेजा जाए। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको हो सकता है कि कुछ दिनों तक ऑल्टरनेट डेज में स्कूल बुलाया जाए, लेकिन जब स्थिति सामान्य नहीं रहेगी, केसेस बढ़ने लगेंगे, तो वो भी बंद हो जाएंगे। तो जैसा आपने क्लिप में सुना कि मैंने इस वीडियो में यह प्रेडिक्शन की थी कि स्कूल कॉलेज पूरी तरह से जैसे पहले जो नॉर्मल तरीके से खुलते थे वैसे तो इस साल खुलने की कोई संभावना नहीं है, पर हाँ अस्थायी तौर पर टेम्परेरी स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, और वो भी किन बच्चों के लिए, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 8वीं या उससे ज्यादा बड़ी क्लास के बच्चे, उनके लिए। तो अभी मध्य प्रदेश में और कुछ और राज्यों में स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, कॉलेज 15 सितंबर से खुलने वाले हैं, खास करके मध्य प्रदेश में, और स्कूल्स ऑलरेडी खुल चुके हैं कई सारे शहरों में और कई सारे राज्यों में। हालांकि कुछ जगहों पर अब जो 5वीं से या 6वीं से ऊपर क्लास के जो बच्चे हैं, 6th, 7th, 8th क्लास के, उन बच्चों के लिए भी धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो एक तरह से ये प्रिडिक्शन जो मैंने की थी ये सही हो चुकी है, इसके बारे में एक अपडेट देना था। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी है। अब जैसे मैंने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में प्रिडिक्शन किया था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि अब कोरोना नहीं आने वाला या कोरोना पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन यही एक वो बड़ी गलती होगी जो बहुत भारी पड़ सकती है आने वाले समय में। कोरोना के बारे में दो वीडियो अपलोड किए गए थे, एक तो तीसरी लहर के बारे में, फिर दूसरा और वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें बताया था कि कोरोना या पानी से कोई तबाही आने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मैंने उस प्रिडिक्शन में कहा था कि बच्चों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, मतलब तीसरी लहर बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरनाक रहने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप 29 अगस्त 2021 रविवार के दिन का दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर अगर आप
उठाकर देखेंगे, उसका ये मेरे हाथ में है अभी वो न्यूज़पेपर, और उसका जो पेज नंबर 11 है उस पर अमेरिका में जो अभी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वहां पर बच्चों में कोविड-19 वायरस पाया गया है और बच्चों में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं ये क्लियरली यहाँ पर, जैसे अगर दिख रहा हो आपको, तो हेडलाइन भी है इसमें। हेडलाइन ये है कि 34 राज्यों में बच्चे हुए संक्रमित, सांस लेना भी दुश्वार, 7 दिन में 1,80,000 बच्चे संक्रमित, डॉक्टरों को छुट्टियां नहीं मिल रही। आपको देख सकते हैं इसमें, अगर मैं प्रॉपरली आपको दिखा पाऊं तो ये न्यूज आई थी। अब देखिए, मैंने कहा था कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है अगर लापरवाही बरती गई, जो कि अभी दिख रही है होती हुई। काफी बहुत सारे लोग लापरवाह हो गए हैं, घूमने जा रहे हैं, या फिर सरकार ने भी स्कूल और कॉलेजेस खोलने की परमिशन दे दी है। स्कूल अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पर कोविड का जो पालन है, गाइडलाइन का पालन है, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, अमेरिका के संदर्भ में ये प्रिडिक्शन मेरी एक अगर देखें तो एक सही हुई है, लेकिन ये प्रिडिक्शन मैंने भारत के संदर्भ में की थी कि भारत में भी ऐसी स्थितियां बन सकती है। उसमें डेट भी दी थी कि 15 सितंबर 2021 से 15 मार्च 2022 के बीच में, और ये इस बीच में ही क्यों, इसका भी टेक्निकल कारण मैंने समझा था कि ऐसा क्यों, इस बीच में ही क्यों होगा। हमारे एक यूजर हैं, एक दर्शक हैं हमारे, मनीष अग्रवाल जी, उन्होंने उस वीडियो में गलती भी पकड़ी थी। एक एक जगह उस वीडियो में गलती से 15 मार्च 2022 की जगह 2021 बोला था मैंने, तो फिर उन्होंने कमेंट करके बोला था उस वीडियो के नीचे, फिर हमारी तरफ से कमेंट भी किया गया था भूल सुधार के रूप में कि 15 मार्च 2021 नहीं, वो 15 मार्च 2022 कंसिडर किया जाए। तो थैंक यू सो मच इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ मनीष अग्रवाल जी। और आने वाले समय में, अब बहुत समय उसका नजदीक आ गया है, ये जो स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं ये अस्थायी तौर पर खुले हैं, समय आने पर जब केसेस बढ़ने लगेंगे ये फिर से बंद हो जाएंगे। तो इसके बारे में सरकार को एक बार सोचना चाहिए, हमें भी इस बारे में एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या ये सही समय है, क्या सब कुछ खोलने की छूट दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? सब आपका ओपिनियन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें कि क्या ये जो छूट मिलती जा रही है कि धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खोले, मल्टीप्लेक्स खोले, जिम खोल ली है, अब सब कुछ अनलॉक हो चुका है, पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है। अगर सिंपल एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कहीं इस तरह की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही है, अगर सही तरीके से बोले। और अब तीसरी लहर का जो मैंने समय दिया था, वो अब समय नजदीक आने वाला है, 15 सितंबर 2021 के बाद ये जो तीसरी लहर है ये कभी भी आ सकती है। 15 सितंबर 2021 से लेकर के 15 मार्च 2022 के बीच में ये तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। आपके सामने एक उदाहरण जो मैंने आपको बताया अभी अमेरिका का, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया में केसेस बढ़ रहे हैं, न्यूजीलैंड में केसेस बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा तेजी से केस बढ़ रहे हैं और बहुत ही सख्त लॉकडाउन है। हालांकि मैं भगवान से सबसे पहले ये प्रार्थना करता हूँ कि पहली बात तो ये प्रिडिक्शन सही हो ही नहीं, मेरी ये जो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में प्रिडिक्शन है ये सही नहीं हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ग्रहों की स्थितियां, कुछ हम सब लोगों की लापरवाही, कुछ अनलॉक की छूट पर छूट मिलते जाना, ये सब ऐसा माहौल क्रिएट कर रही हैं, और फिर ग्रहों की स्थितियों के बारे में मैंने आपको बताया ही था, तो ये सब मिलकर कोरोना की तीसरी लहर को फिर से बुलावा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है तीसरी लहर में कि कुछ ऐसा वेरिएंट आ जाए या कोई ऐसी बीमारी आ जाए या कोरोना का ही कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए, कोई ऐसा म्यूटेंट आ जाए जिस पर वैक्सीन का भी असर नहीं हो। अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, बहुत तेजी के साथ चल रहा है, काफी लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं, वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये वायरस बार बार अपना रूप बदल रहा है। राहु की तरह, राहु क्या होता है, एक छलिया ग्रह है,
बार बार अपना रूप बदलता है, तो वैसे ही ये वायरस भी राहु के प्रभाव में अपना रूप बार बार बदल रहा है, म्यूटेंट हो रहा है, फिर से नए रूप में आ रहा है और फिर एक नई लहर किसी देश में शुरू हो जाती है और काफी लोगों की जाने जाती है, काफी लोग इससे संक्रमित होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लापरवाही नहीं करें, सतर्क रहें, बहुत ही सोच समझ कर कोई डिसीजन लीजिए, अन्यथा तीसरी लहर आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे हाथ में ही है कि हम तीसरी लहर को कितना काबू में कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे शेयर करने से देखिए व्यू बढ़ेंगे, लाइक वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे आपके जो परिचित है, आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार है या और बाकी लोग हैं, वो सतर्क हो सके। ये है मेन उद्देश्य इस वीडियो को शेयर करने का। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि आपके परिचित सुरक्षित रहें, सेफ रहें और सतर्क रहें। हमें अभी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।